नमस्कार दोस्तों, मैथ सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी भी आप दबा लीजिएगा ताकि जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए, ये फिजिक्स 12 क्लास का जो है ये पार्ट वन का जो है ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप देखिए जो है दिया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस व्यंजक को एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है जो है कि यहाँ जो है किसी विद्युत ध्रुव के अक्षीय बिंदु पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस व्यंजक को एक छोटे विद्युत ध्रुव के लिए भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले जो है एक बनाएंगे, यहाँ ए बी बनाएंगे, विद्युत ध्रुव है मानेंगे, ये जो हमारा है यहाँ मान लेंगे, माना 2a विद्युत ध्रुव लंबाई वाले ठीक है वाले जो है विद्युत ध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा ये P बराबर 2A गुणे Q। ठीक है, मानेंगे हम इतना जो दिया है यहाँ मानेंगे कि माना 2A विद्युत द्विध्रुव लंबाई वाले विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2A गुणे Q, ये है Q है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ जो है हम चित्र बनाएंगे, चित्र के द्वारा जो है और स्पष्ट आपको हो जाएगा बढ़िया। तो यहाँ जो है ये चित्र जो है इस प्रकार बनेगा, मान लीजिए ए बी है ये, ठीक है, ए और बी है, विद्युत ध्रुव है और इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ ओ है। ठीक है, ये क्या है, मध्य बिंदु है ये। ठीक, और यहाँ पर यहाँ जो है ये पर जो है माइनस क्यू आवेश है, क्या है यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, और मध्य बिंदु से इसी रेखा के जो है सीधे में जो आगे बढ़ाएंगे रेखा, तो ये मान लीजिए यक्स है और यहाँ पर ये पी बिंदु है। ठीक है, और यहाँ जो है ये ई है। ठीक है, तो यहाँ से 2A है पूरा, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2A है, कहाँ तक ए बी का पूरा, तो इतना यहाँ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा, पूरी आधा दूरी हो जाएगा ना, मध्य बिंदु है ना, यहाँ से जो है ये यह ए हो जाएगा, ए दूरी हो जाएगी, और इसमें जो है यह आर दूरी जो होगा, यहाँ से आर दूरी यहाँ से मिलाएंगे तो आर दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक पी तक का होगा। आर दूरी क्या है, यहाँ जो है देखिए द्विध्रुव ए एक्स, देखिए द्विध्रुव ए एक्स जो है ए एक्स सामने दिख रहा है, पर यहाँ ई का जो है मान निकालेंगे हम, यहाँ ई प्राप्त करेंगे, उस बिंदु से जो है पी के से है द्विध्रुव की केंद्र की दूरी क्या है, आर है। देखिए द्विध्रुव के केंद्र, यही केंद्र है, देखिए यहाँ से ये क्या है आर है, देखिए क्या है दूरी आर है। यहाँ लिख देंगे कि जो है जहाँ ई का मान निकालना है ठीक है, उस बिंदु पी के द्विध्रुव के केंद्र से दूरी क्या है आर है। आप खुद देख लीजिए, केंद्र वो है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर है, देखिए आर दर्शाया गया है, यहाँ क्या है आर है, ये दूरी आर है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए आवेश कितना, क्या दिया है, एक माइनस दिया है एक प्लस दिया है, यदि आवेश माइनस क्यू प्लस यू के प्लस क्यू के कारण जो है पी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो, ई ए और ई बी होंगे, क्या होंगे ई ए और ई बी होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये, यदि आवेश
माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, पी पर, पी आप जान ही रहे हैं यहाँ पर पी है, ठीक है, पी पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई ए तथा ई बी है, ठीक है। देखिए यहाँ से ई ए और ई बी, ठीक है, तब ई ए क्या हो जाएगा, देखिए ई ए क्या हो जाएगा, ई ए क्या हो जाएगा, यहाँ से ई ए नाम है, ये स्मॉल लगेगा यहाँ, ई ए नाम है, ठीक है, ई ई बी नाम दिया गया है, ई ए ई बी, यहाँ जो है ई ए ई बी, तो ई ए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा, क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा ए पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ए पी स्क्वायर, ठीक है। और किसके अंदिश हो रहा है, ये पी ए के अंदिश हो रहा है, किसके अंदिश हो रहा है, पी ए, ये पी ए के अंदिश अंदिश हो रहा है, ठीक है, कि अंदिश, समझ गए होंगे। यहाँ जो है ई ए यहाँ स्मॉल है ये, और ए बी ये भी स्मॉल जो है ये छोटा बी में है, बी है बड़ा बड़ा लेटर है मगर ये छोटे में इसका नाम है, ठीक है, ई ए ई बी, तो यहाँ ई ए बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी कितना हो रहा है टोटल, ए पी अगर ये जोड़ा जाए तो इसमें क्या है, यहाँ से जो है ए पी है, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ पी हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा, हम निकालेंगे तो ए पी बराबर जब हम निकालेंगे तो ए ओ, देखिए ए ओ प्लस ओ पी हो जाएगा, यानी ए ओ क्या है, ए ओ हमारा है यहाँ से ए ओ, ए हो जाएगा, ये भी तो दूरी ये होगा, जब ये है तो ये भी तो होगा ये, ठीक है, ए हो जाएगा और प्लस आर हो जाएगा, इस प्रकार ए पी जो हो जाएगा ए ओ प्लस ओ पी, ये ओ पी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ पी, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, आर, ए पी निकालेंगे हम, तो ए दूरी और प्लस ए दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये आर है, तो इतना हो जाएगा, यहाँ हम रख देंगे, तो ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा आर, आर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे ई बी, क्या निकालेंगे, ई बी, ई बी जब निकालेंगे तो ई बी क्या हो जाएगा यहाँ से, ई बी हो जाएगा ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा, ये किधर जाएगा, ये बी पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, ये बी पी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए पी स्क्वायर हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर, क्योंकि इधर है ना, यहाँ ये बी पी स्क्वायर, ठीक है, ये बी पी स्क्वायर हो गया। ये किसके अंदिश है, ये पी एक्स, किसके अंदिश है, ये पी एक्स के अंदिश है, पी एक्स के अंदिश, ठीक है, ये हो गया। अब हम बी पी जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी पी, तो जब हम बी पी निकालेंगे यहाँ से तो बी पी क्या हो जाएगा यहाँ से, बी पी, देखिए जब हम बी पी निकालते हैं यहाँ से बी पी, तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी बराबर हो जाएगा ओ पी, क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस, ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ बी, बी पी बराबर ओ पी माइनस ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यह है ओ पी, क्या है, ओ पी हमारा है आर, क्या है, ओ पी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह दूरी है, यह ओ से पी तक दूरी क्या, आर है, तो आर माइनस, और ओ बी क्या है, ओ बी यह ए है, यहाँ ए रख देंगे, इस प्रकार यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी 4π0 क्यू बटा आर माइनस ए का ए होल स्क्वायर पी एक्स के अंदिश हो जाएगा, इस प्रकार ये हो गया। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा, यदि अब देखिए यहाँ पर जो है ये हो गया, निकल गया, दोनों का मान निकाल लिया हम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे पी पर जो है नेट, नेट विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, तब ई बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स के दिशा में, एक लाइन लिखेंगे, यदि पी पर नेट विद्युत
नेट विद्युत क्षेत्र ई है, क्षेत्र ई है, तब क्या हो जाएगा, ई बराबर ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। पी एक्स की अंतरिक्ष क्या हो जाएगा, पी एक्स की ओर कार्य करेगा, क्या किसकी ओर करेगा, पी एक्स की, यहाँ देखिए पी एक्स है, पी एक्स और क्या करेगा, ये कार्य करेगा। तो इतना हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यही सबका मान हम ला करके जो है रख देंगे और हल करेंगे। तो चलिए यहीं पर लाकर मान रख देते हैं। तो यहाँ से E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये पी ए था, और प्लस 1/4πε0 क्यू बटा आर माइनस ए का ये होल स्क्वायर, ये यहाँ था पी एक्स, ठीक है। अब इसको हल करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या आता है यहाँ से, जब हम हल करेंगे यहाँ तो यहाँ से ये क्या निकलता है, तो ई बराबर देखिए 1/4πε0 दोनों जगह है, तो 1/4πε0 कॉमन लेंगे, क्यू बटा क्यू भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/RA का आर ए प्लस ए का होल स्क्वायर, पी ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो पी ए, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको, यहाँ पी ए जो हो जाएगा, पी ए जो हो रहा है, पी ए ये पी एक्स हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स हो जाएगा। यहाँ जो है पी ए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा पी ए, पी ए हो जाएगा माइनस पी एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है पी ए जो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स हो जाएगा। तो ई बराबर क्यू बटा 4πε0 ये हो जाएगा 1/R प्लस ए का ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी एक्स, ठीक है, क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये पी एक्स हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, देखिए विपरीत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो है ए पी था तो यहाँ इसके दिशा में क्या हो रहा है, ए पी बराबर, ठीक है, पी एक्स हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ए पी जो था हमारा पी ए, सॉरी यहाँ पी ए था इधर, तो इधर पी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ रख देंगे तो पी एक्स दोनों जगह हैं, कॉमन ले लेंगे, क्यू बटा 4πε0 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये क्यू नहीं था, क्यू कॉमन लिया है ना, क्यू कहाँ रहेगा, सही बात है, क्यू कॉमन लिए हैं, तो वहाँ हो जाएगा 1 माइनस, तो आर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आर माइनस ए का ये होल स्क्वायर, इसको इधर लिख ले रहे हैं, और यहाँ जो है पी एक्स जब हो रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/R प्लस ए का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पी एक्स, ठीक है, यह पी एक्स हो जाएगा। क्यों माइनस आ रहा है मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला चीज़ पहले लिख लिया हूँ, और यहाँ जो माइनस आएगा इधर लिख दिया, और पी एक्स कॉमन क्यों ले लिया हूँ, क्योंकि दोनों जगह है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, क्यू बटा 4πε0, तो यहाँ से दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आर माइनस ए का ये होल स्क्वायर, आर प्लस ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे भाग देंगे कट जाएगा, ये आएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इससे भाग देंगे कट जाएगा, आएगा आर माइनस ए का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो है गणित की तरह हल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4πε0, यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देखिए सूत्र याद करना ज़रूरी है, अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो ठीक, अच्छी बात, आपको याद होगा, मगर जो है जो लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं वो भी गणित पढ़ लें, इतना चीज़ जानना ज़रूरी है। 2R की आर ए हो गया, माइनस रहने देते हैं अंदर, ए माइनस बी का आर स्क्वायर लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2RA, देखिए यहाँ पर आ गया, बटा नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर आ गया। कैसे आया मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, सॉरी यहाँ आर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों भी स्क्वायर है। ये पहले जब सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है, तो यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों गुणा पहले में अंदर अंदर गुणा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
और बाद में दोनों पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार इस यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ से गुणा कर देते हैं तो क्यू बटा 4π ε₀ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2RA माइनस आर स्क्वायर हो गया गुणा होगा तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ 2RA हो जाएगा। अब बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस है कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब ये जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों प्लस है ना। क्यू बटा 4π ε₀ 2RA हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ क्या था लिए थे, यहाँ पी एक्स था, यहाँ पी एक्स भी है। ठीक है, इतना हो गया। चूँकि यहाँ पी एक्स आ रहा है, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो जाएगा ये। तो इस प्रकार यहाँ हो गया। हम रखेंगे यहाँ कहाँ, लास्ट में जहाँ दिया यहाँ पर, ठीक है, पी एक्स बराबर ए बी। तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा 4π ε₀ 2RA आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ इसमें क्यू का गुणा कर देंगे तो 1π ε₀ 2A गुणे क्यू। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और ए को एक साथ ले लिए हैं, 2 हो गया गुणे क्यू, गुणे यहाँ जो है बगल में आर लिख देंगे, बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से देखिए जो है ये हो जाएगा किसका होता है, ये पी का होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण का होता है, क्या हो जाएगा यहाँ 2A क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1π ε₀ पी आर, क्या हो जाएगा यहाँ, ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ, ये इतना है, यहाँ हम जोड़े थे तो 2RQ आया था। देखिए जोड़े थे तो 2RA और 2RA मिलके क्या हो जाएगा 4RA हो जाएगा, ये जानना जरूरी है। देखिए छूट गया था, क्या हो जाएगा 4RA, तो इस प्रकार यहाँ 2 और रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2PR हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो है फिजिक्स में जो है हल करते समय छूटना नहीं चाहिए। यहाँ जो हम जोड़े थे तो यहाँ ये 2A जोड़ेंगे तो 4RA हो जाएगा। ठीक है, और हम 2R ही लिख दिए थे तो इसलिए यहाँ जो है ये जोड़ेंगे तो यहाँ 4RA हो जाएगा, तो इसलिए 2×2A×Q हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ये हो गया। अब यहाँ से ये AB, ठीक है, तो यहाँ से 2A की, यहाँ से जो है 2AQAB P बराबर जो है यहाँ से हो जाएगा ये P बराबर 2AQAB हो जाएगा यहाँ से, यानी यहाँ से रखे हैं तो यहाँ AB नहीं रहेगा, P हो जाएगा यहाँ से। E बराबर हो जाएगा 1π ε₀ ये 2PR बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ जो है P बराबर 2AQ ये ए बी, यानी यहाँ से 2AQAB के एक साथ ले लिए हैं, यानी इसके जगह हमने P रख दिया और यहाँ से ए बी है, ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से छोटे द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, छोटे द्विध्रुव के लिए R इज ग्रेटर देन A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R का मान A से बड़ा हो जाएगा, यानी R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो यहाँ से ई का मान हो जाएगा 1π ε₀ ये हो जाएगा 2PR, ऊपर है देखिए और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर है, ये है ऊपर, यहाँ इसका भी होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ ये जीरो रख देंगे तो ये हट जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा ये ई बराबर 1π ε₀ 2PR बटा R पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 1π ε₀ 2PR R आ रहा, यहाँ से R ये 4 है ना, तो यहाँ से E बराबर 1π ε₀
टू पी आर आर क्यू इन टू आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी आर क्यू, यही जो है प्राप्त हो जाएगा, ये पीओ के अंदर जो है यही सूत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।